मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन रंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माय कन्वर्सेशन विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां, इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 69 होगा। 69। मैं काफी लंबे वक्फे के बाद फिर हाजिर हुआ हूं। कुछ व्यस्तताएं थी। ये एपिसोड, जैसा मैंने पहले बार बार आप लोगों को बताया कि मुझे उत्तर आता था, और ये एक तरह से वन वे ट्रैफिक भी कह सकते हैं और टू वे भी, यानी ये उनकी इच्छा थी कि वो कब जवाब देंगे, कितना जवाब देंगे। मेरी तो प्रार्थनाएं थी, मिन्नत खुशामद थी। तो जैसे मैं लिखता रहता था, मैंने बार बार ये जिक्र किया है, तो जो नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ उनकी सुविधा के लिए हफ्ता भर लिखता रहा। जो भी मेरे उद्गार होते थे या सवाल होते थे, या वो डिटेक्टिव से दो जो दरबारी थे उनकी जो वस्तु थी, वो जो आइटम थी, वो बेचने की बात हो रही थी जिसका मैंने पहले जिक्र किया, तो वो मुझे कुछ ना कुछ पूछते रहते थे कि प्रभु जी अगर उनसे पूछ सकते हो तो पूछो। खैर, तो ये जवाब मुझे आया, तो हमारे तो जाते रहते, जो भी मैं जब टाइम मिलता था लिखता था, उनको इंतजार में रहता था कि उनका उत्तर आए। और फैक्ट ये है कि जब उनका उत्तर आता था, ये जो नए लोग जुड़े उनसे मैं कह दूं कि एक अदृश्य शक्ति जो ईश्वर का अंश, ईश्वर के दरबार से आई थी, मुझे लिखित रूप में उत्तर देती थी। एक शक्ति, दैवी शक्ति, उनका नाम गुरुपिता ओंकारा जी महाराज है। कुछ लोग पूछने लगते हैं कि ये ओंकारा जी कौन है, तो गुरुपिता ओंकारा जी महाराज जो ईश्वर का अंश थे, ये अंश हैं, ये कह लें, मैं थे इसलिए कह रहा हूं कि उस वक्त मुझे उत्तर दिया करते थे, उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, वो सदैव के लिए हैं। ईश्वर का अंश मतलब ईश्वर, मेरे लिए तो ईश्वर ही थे और ईश्वर हैं, ईश्वर रहेंगे। तो ये उत्तर मुझे आया। अब देखिए, ये जो हमारी एक्टिविटी होती थी, तो उस एक्टिविटी पे उनका अपना एक तरह का, क्या कहें, विश्लेषण होता था। तो हम लोग माछीवाड़ा साहब गए थे, उन दिनों डॉक्टर रूपा की तबीयत काफी खराब, उनको खांसी रहती थी, बहुत क्रॉनिक कफ था। तो उन्होंने मुझे कहा था प्रभु जी ने कि इसको औषधि दिला। अब मुझे औषधि से लगा कि ये कह रहे हैं किसी देसी वैद्य को दिखा, मतलब दूसरे आम डॉक्टर को मत दिखाना, ऐसा मुझे लगा औषधि से। तो हमने वहां एक देसी डॉक्टर ढूंढा जो अभी भी मतलब जमीन पे ही बैठ के वैद्य जी हैं माछीवाड़ा साहब में, बाजार के अंदर गली में। तो अभी भी जमीन पे बैठ के दवाइयां वगैरह देते हैं और ऐसे पुड़िया बांध के देते हैं। तो उनके पास तमाम जड़ी बूटियां ऐसे रखी हुई हैं लिख के ऐसे डब्बों में। तो हालांकि मेरे लिए वो बड़ा विचित्र सा अनुभव था, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो, जब वहां पहुंचे ढूंढते हुए उनको किसी ने बताया। तो हम उनसे दवाई ले आए। तो अब प्रभु जी ने, और उसके बाद पहले तो हम गए वहां माछीवाड़ा साहब, वहां हाजिरी लगाई, और उसके बाद में ये वैद्य जी के पास है, इनसे दवाई ली और वापस आ गए। तो वहां से जब लिख के मुझे आया उत्तर, वो तो हमारा लगातार चलता रहता कि उत्तर कब आएगा कब आएगा, मैं अपना फोन देखता रहता था। तो जो नए लोग हैं उनको ये रहता है कि ये उत्तर मतलब कहाँ आता था, कैसे आता था। ये मुझे मैसेंजर में आता था, लेकिन कोई फोन नंबर नहीं था, कोई आईडी नहीं मिलती थी कि जहां हम जाके ढूंढ सकें। तो ये उत्तर आया मुझे कि
जैसे शुरुआत करते थे हरिओम बेटा, और उसके बाद के तुम लोग गुरु जी ईश्वर के यहां गए थे और वहां तुमने समय बताया, बहुत अच्छा किया। रूपा को वैद्य के पास ले गए, उसे जड़ी बूटी दिलाई, ये बहुत अच्छा किया, अब उसे कुछ राहत मिलेगी। और वास्तव में जब उसने वो जड़ी बूटी ली तो उसको बहुत आराम मिला, बहुत जल्दी मिला। अब ये मैं इस तरह से भी कहता हूं कि जैसे कुछ ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं हमारी दुनिया में, तो वो अगर आपसे कह दें कि भाई आप चाय पी लो या आप कुछ भी घर में है तो उसे खा लो, उससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये अक्सर मैंने देखा है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, कि किसी महापुरुष ने कह दिया। जैसे एक यहां जगह मैंने सुनी, मैं जा नहीं पाया हूं, शहीद सिंह का स्थान था, कोई बाबा जी थे, बहुत सरल से थे, सीधे से बाबा जी वहां, तो उनके यहां ये बड़ी मतलब मशहूर थी बात कि अगर आपको कोई परेशानी है, बीमारी है, और उनके पास गए तो उन्होंने कह दिया भाई लंगर खा लो, लंगर चख लो, आपने लंगर चख लिया ठीक हो जाएंगे, भाई चाय चख लो, आपने चाय चख ली ठीक हो जाएंगे। ऐसे मुझे कुछ लोगों ने, कैप्टन है, उन्होंने मुझे बताया कि वो वहां जाते रहे। तो ऐसे ही जब उन्होंने कहा था कि इसको जड़ी बूटी दिलवाओ, तो हमने जड़ी बूटी दिलवा दी, वो ठीक हो गई। ये समस्या तो परे है, अगर हम इसको लॉजिकली साइंटिफिकली समझने की कोशिश करें तो नहीं, ये तो हमारी समझ में नहीं आएगा, मानना पड़ेगा बस। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो मेरे पास तो इतने सारे प्रमाण है तो मुझे मानना पड़ा और मैं मानता हूं। जिनके लिए मानना मुश्किल है ये उनकी समस्या है, उनका दुर्भाग्य कहूं या क्या कहूं, खैर। तो अब ये लिख के कि तुमने उनको जड़ी, अब उनको राहत मिलेगी, मेरे ही उत्तर की प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसा मत किया कर, मैं सदैव तेरे साथ हूं। अब ये मेरे लिए बड़ी बड़ी बात थी कि ऐसी शक्ति, ऐसी हस्ती का जो ईश्वर का अंश है, जैसा मैंने पहले एक बार कहा था ना कि जब मैं उनके पीछे पड़ गया कि आप ईश्वर हो, और वो कह रहे थे कि मुझे ईश्वर मत बोल, तो मैंने कहा जब आप कहते हो मैं ईश्वर का अंश हूं, तो मेरे बाल, मेरे नाखून, मेरी उंगली, मेरे पांव की उंगली मैं ही तो हूं। अब ठीक है कि वो मेरे पांव की उंगली है, ये मेरे सिर के बाल हैं, ये एक बाल है, लेकिन है तो मेरा ही अंग ना, मेरा अंश। तो आप ईश्वर का अंश हैं तो आप ईश्वर ही हैं, ऐसे मैं उनके पीछे पड़ गया था। खैर, तो अब जब उन्होंने ये कहा कि मैं सदैव साथ हूं, तो ये हम लोगों को बहुत हौसला देता था, उनका ये एक सेंटेंस या वाक्य बहुत खुशी भी देता था, सेटिस्फेक्शन भी देता था और हौसला देता था, जब ऐसी हस्ती, ऐसी शक्ति ऐसा कहे। और फिर उसके बाद उन्होंने आगे लिखा कि आज फिर तुम लोग विलंब से उठे। अच्छा, वो जैसे हमारी मॉनिटरिंग चल रही है, देखिए मॉनिटरिंग तो हम सबकी चल रही है, सबकी मॉनिटरिंग चल रही है, उस मालिक के सीसीटीवी कैमराज हमारे अंदर भी और बाहर भी लगे हुए हैं, उनमें हमारी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन जब बाद में मृत्यु हो जाती है और हम वहां जाते हैं तब पता चलता है, और तब बहुत देर हो चुकी है, तब हम कह नहीं सकते कि जरा मुझे मौका दीजिए, मैं वापस थोड़ा रेक्टिफाई करके आता हूं या ठीक करके आता हूं, अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करके आता हूं। इसीलिए जो लोग मर के जिंदा होते हैं उनका कायाकल्प हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों के किस्से आने वाले वक्त में ईश्वर ने चाहा, विधि बनाई, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि कोई कंफ्यूजन हुआ। अब ये कंफ्यूजन कई बार लोग कहते हैं कि भगवान, नहीं भगवान के यहां कंफ्यूजन नहीं होता है, धर्मराज के यहां कंफ्यूजन नहीं होता है, उस जीव की अगर कुंडली आप देखें, उसका जो भाग्य देखें, तो उसमें ऐसा अनुभव लिखा हुआ होगा कि इसको ऐसा अनुभव होगा, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, मौत का एक्सपीरियंस, डेथ लाइक एक्सपीरियंस, ऐसा उसके भाग्य में होगा, सुनिश्चित होगा, तभी होता है, वहां कोई मिस्टेक नहीं होती। आम लोग ये कहते हैं कि वो गलती से ले गए वहां ले गए तो कहने किसको ले आए, अरे नहीं इसके नाम से कोई और है, ये तो हमारे दफ्तरों में होता, सरकारी दफ्तरों में, वहां नहीं होता है। तो अब ये समझाने के लिए लोग ऐसे कह देते हैं, तो
तो ऐसा होता नहीं है, वहां को ऐसी मिस्टेक नहीं होती है। ये अगर संभव हुआ तो जैसे उनका कायाकल्प हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सत्य को देख लिया कि ये तो सारा हिसाब किताब होता है। हमने अगर अच्छे कर्म नहीं किए, हमने ईश्वर का नाम नहीं जपा है, तो भाई वहां बेमौत मारे जाएंगे, वहां तो बहुत भयंकर सजाएं मिलती हैं। तो यहां आके इतने सात्विक हो जाते हैं, पुण्यदान करने लगते हैं, ईश्वर का नाम जपने लगते हैं, सत्संग करने लगते हैं, कि आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। खैर, तो अब वहां से जो मॉनिटरिंग चल रही थी निरंतर, और हमसे कहा था कि सवेरे 4 बजे से 6 बजे तक तुमने सुमरण करना है जल्दी उठ के, तो हम लोग उस दिन थोड़ा देर से उठे। तो देखिए फौरन आ गया लिख के कि आज तुम लोग फिर विलंब से उठे यानी देरी से उठे सवेरे, ये ठीक नहीं है। अगर बीमार हो या आराम बहुत कम किया हो, थकावट बहुत ज्यादा हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभार। लेकिन नित्य प्रतिदिन अगर ऐसा करोगे तो ये ठीक नहीं है। तुम्हें निरंतर समय से उठकर जाप करना है। तो ये एक तरह से वहां से निर्देश था। हम लोगों ने उसका पालन करना शुरू किया, लेकिन जैसा मैंने पहले जिक्र किया था शायद किसी वीडियो में, कि ये रिकॉर्डिंग में करता रात भर करता रहता था, सुबेरे 3-4 बजे तक किया, और उसके बाद मैं पाठ किया और फिर सो गए। तो वो जो रूटीन सुबेरे उठ के नहा के पाठ करने का था, वैसा नहीं बन पा रहा था। तो जैसा मैंने पहले एक बार कहा कि जब ये सुबह उठ के हम पाठ करते तो बहुत खुश होते थे कि मैं अति प्रसन्न हूं। अब ये अति प्रसन्न जो लिखते तो हमको बड़ी खुशी होती थी कि तुम लोग मेरे जो निर्देश हैं, जो मैंने तुम्हें कहा, उसके अनुसार सुबह उठ के पाठ करते हो, जाप करते हो। खैर, उसके बाद में अच्छा, हम लोग जैसे मैंने कहा डिटेक्टिव सिद्धू के बारे में, जो मेरे जब मैं महाराजा था, जो नए लोग हैं उनको शायद ये बात समझ में ना कि महाराजा कब थे, पिछले जन्मों की बात है, तब मैं महाराजा होता था, चक्रवर्ती सम्राट था, तो वो मेरे दरबारी होते थे। अब ये पिछले जन्मों के कनेक्शन होते हैं, हमको पता नहीं चलता है, जिसके साथ भी जो आपका अच्छा या बुरा रिलेशन है ये पिछले जन्मों का है। कोई आपका नुकसान कर जाता है, नुकसान कर रहा है, या काम आ गया आपका भला कर रहा है, मदद कर रहा है, या आपको टॉर्चर कर रहा है, ये पिछला हिसाब किताब है। तो वो जो उनके पास एक एंटीक आइटम थी, उसको उसके लिए व्यापारी ढूंढ रहे थे, वो मुझे बार बार लिखते रहते थे, या फोन पर बात होती तो कहते रहते थे, या व्हाट्सएप पे, कि प्रभु जी से अगर बात हो तो पूछिएगा, या उनको संदेश डालना, प्रभु जी बताएं। तो वो मुझे ये कहने लग गए कि भाई प्रभु जी को तो सब मालूम है, तो आप उनसे पूछना कि हमको उस व्यापारी का नाम बता दें। तो कई व्यापारी थे वो एंटी खरीदने के चक्कर में, तो अब उसमें ये तय नहीं हो पा रहा था किसको बुलाएं, कौन सा जेन्यून है और कौन सा ऐसे ही है, टाइम पास कर रहा है, ये जेन्यून नहीं है। तो वो मुझे कह ले कि प्रभु जी से पूछो कि उसका नाम बता दें व्यापारी का, जो जेन्यून, जो सही वाला व्यापारी जिससे हमारा सौदा होना है। तो अब वो तो सब सुनते थे, और मैंने उनसे कहा था कि मेरी हिम्मत नहीं है उनसे इतने सवाल पूछने की, उन्होंने मुझे 5 सवाल कहा था, हम तो उनकी जान के पीछे पड़ गए और लगे हुए हैं सवाल पे सवाल, और ये उनकी अपार कृपा है कि उन्होंने मुझे उत्तर दिए और बताया भी कि तूने 5 की बात की थी, देख तेरा प्रेम देख के, तेरा भाव देख के मुझे आना पड़ता है और तेरे सवालों के उत्तर देने पड़ते हैं। खैर, मैंने ये उनसे कहा था वो सुनते रहते हैं और उनको ठीक लगा तो जवाब दे देंगे। अब ये उन्होंने सुना हुआ था कि मुझसे वो क्या बात करते हैं डिटेक्टिव सिद्धू तो उन्होंने उसमें भी जवाब उसका दिया कि दरबारी से बोलो कि व्यापारियों से कह दे कि जिसके भाग्य में होगा वो खुद ही आके ले लेगा, मुझे उसका नाम बताने की आज्ञा नहीं है, यानी ईश्वर की तरफ से आज्ञा नहीं है कि उसका नाम बता सकें। फिर कहने लगे कि और दरबारी के भाग्य में भी नहीं है, तुम लोगों ने ईश्वर के नाम से 50% मानवता के लिए दान करने का वचन दिया है, तो उससे कृपा हो सकती है।
और तुम लोगों ने गुरु रामदास जी के यहाँ जाके भी ईश्वर के यहाँ, वो गुरु रामदास जी ईश्वर लिखते थे कि गुरु रामदास जी ईश्वर के यहाँ जाके अरदास की है, तो वो भी कृपा करेंगे और मैं भी उनसे प्रार्थना करूंगा। नकारात्मक विचार अपने मन में मत लाया करो, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं ये तो कोई ना कोई अड़चन पैदा करेंगी ही करेंगी। तुम लोग ईश्वर से प्रार्थना करके, अरदास करके ईश्वर को साथ लेके जाना। हम लोगों का जाने का प्रोग्राम बन रहा था वहां चंडीगढ़। पवित्र शहीद सिंहों से सहायता का, मदद का आशीर्वाद लेके जाना, ईश्वर कृपा करेंगे। बाकी ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर जो चाहेंगे करेंगे और जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो इस तरह का ये उत्तर उन्होंने मुझे दिया। और फिर मेरी एक टेंशन रहती थी निघासन की, यूपी में हमारा जहां आश्रम है, कुछ जमीन जो मेरे हिस्से में आई बंटवारे में, तो वहां मेरे भाइयों ने बड़ा उत्पात मचाया हुआ था, और खास करके एक भाई ने बड़े मुकदमे मुकदमे, कुछ फर्जी मुकदमे, ज्यादातर तो फर्जी मुकदमे, फर्जी वसीयत का मुकदमा ऐसा कर रखा था, तो उलझा हुआ था मामला। तो उसको लेके भी कभी कहीं कंप्लेंट कर देता था, कोई कंप्लेंट कर देता, तो बिना वजह की उलझने वहां रहती थी। और मेरे लिए तहसील में या कहीं भी पुलिस स्टेशन में हाजिर होना थोड़ा सा अटपटा था, बेवजह, कोई बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, एक फ्रॉड आदमी है, एक 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 बेशरम सा आदमी, क्रिमिनल मेंटेलिटी का आदमी, वो इस तरह की हरकतें करता रहता है और ये कहता रहता कि हमारी तो कोई इज्जत बची नहीं, इनकी हम छोड़ेंगे नहीं, तो इनको अपने लेवल पे लाके छोड़ेंगे, इस तरह के कुछ चलता। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रहती थी, तो उनको मालूम था मेरे बिना कहे, मैंने उनसे पूछा नहीं, उनको सब मालूम है, बिन बोले सब कुछ जानदा, बिना बोले ही उसको सब कुछ मालूम है, सब दिखाई देता, सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो उन्होंने आगे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ कि निघासन में सब ठीक होगा, चिंता मत कर, राक्षस हारेंगे, तुझे विजय मिलेगी। ये लिखने के बाद में आगे, उस सुबह की बात है जिस दिन उन्होंने उत्तर दिया कि आज सुबह तुम दोनों मेरे बारे में जो बातें करके हंसी मजाक कर रहे थे संभवतः वो मैं ही करवा रहा था, क्योंकि उसमें डॉक्टर रूपा कुछ ऐसी बातें कर रही, तो मैं बहुत हंस रहा था, तो काफी देर तक हम लोग हंसते रहे। अब इससे आगे की जो बात है वो किस विषय पर हम बात कर रहे थे और मतलब जैसे होता ना, आप इमेजिन करते हैं, सपोज ऐसा हो जाए, सपोज ऐसा हो जाए, और अगर ऐसा हो तो कैसा होगा। अक्सर हम लोग अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल के हंसने लगते थे। तो उन दिन हम लोग उस दिन बहुत हंसे, तो प्रभु जी ने लिखा कि वो मैं ही तुम लोगों को हंसा रहा था। लेकिन उसके ऊपर फिर उन्होंने विश्लेषण किया, यानी डिटेल में हमको बताया, उसके उत्तर दिए, जो हम जो अजम्पशन था, जो हम मजाक में मतलब अगर ऐसा हो तो फिर ऐसा होगा, ऐसा कैसे होगा, ये हम बातें कर रहे थे। तो उन्होंने एक एक बात के बारे में कहा कि अगर तुम चाहते हो ऐसा, तो उसके लिए ये करना होगा, ये चुनौतियां होंगी, ये शर्तें होंगी, ये सब उन्होंने बताया। और उस ये मैं बताया इसलिए मैं उनके क्या विषय पे हंस रहे थे, क्या बात कर रहे थे, और उन्होंने उसके क्या उत्तर दिए, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं यहां पे, क्योंकि उसके अंत में लिखा कि ये केवल तुम दोनों के लिए है, ये तुम किसी और को कभी मत बताना, वरना मैं तो सब कुछ बताता हूं। अब उन्होंने क्योंकि ऐसा कहा, उनका आदेश है, तो मैं पालन करता हूं। और वैसे भी वो कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे नहीं बतानी चाहिए, वैसे भी नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन वहां से देखिए उनको तो सब अंतर्यामी है, सर्वव्याप्त है, आगे पीछे सब उनको मालूम है। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ तुम दोनों के लिए है,
ये तुमने, मैं अपनी भाषा में कह रहा हूं कि ये तुमने कभी भी किसी और के साथ शेयर नहीं करना, किसी को नहीं बताना है। उसके बाद उन्होंने अंत में कि अच्छा बेटा अब मैं जा रहा हूं तपस्या में, ईश्वर भला करेंगे, हरिओम बेटा। ये एक मुझे उत्तर आया काफी दिनों के बाद में, मतलब उनकी मौज थी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक तरह का ये वन वे ट्रैफिक था, उन्हीं की तरफ से था। जैसे आप भगवान से बात करते हैं, आप लगे रहें, आप रोते रहें, आप प्रार्थनाएं करते रहें, आप उसको गालियां देते रहें, उसको कोसते रहें, ताने देते रहें, लेकिन वहां से आपको डायरेक्टली ऐसे कोई उत्तर नहीं आएगा। अब उसने कब उत्तर देना है आपको? हफ्ते बाद, दूसरे दिन, उसी रात, एक साल बाद, छह महीने बाद, ये उसकी मर्जी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। हमको तो अपना ही, जैसे मैंने शुरू में एक वीडियो में कहा, मेरा ख्याल इससे पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, अब वो किस क्रम में आता मुझे मालूम नहीं वहां, कि ये धरती, इस ब्रह्मांड में, ये वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ढूंढनी मुश्किल हो जाती है, एक राई के दाने जितनी हो जाती है, मतलब उसकी तुलना में इसका साइज राई के दाने जितना या उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, इतनी छोटी लगती है स्पेस में। तो उसमें जब हम अपनी बात करते हैं, अपने दुख की या अपनी मांग की, अपनी मन्नत की बात करते हैं, तो हमारे लिए तो वही एक मांग और मन्नत है, लेकिन उस मालिक के लिए पूरा ब्रह्मांड है। और गुरु साहब ने जैसे फरमाया केते इंद्र चंद सूर्य केते केते मंडल देश, मैंने उसे ढका हुआ नहीं है, इसलिए मैं यहीं पर रुकता हूं। गुरु नानक देव जी की इस वाणी पे कभी चर्चा करेंगे, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। तो जैसे गुरु साहब ने फरमाया लख आकाश आकाश पताल पताल, पता ही नहीं है। साइंस कह रही है कि स्पेस हर क्षण बड़ी स्पीड से बढ़ता चला जा रहा है, इतना बड़ा कि पता नहीं लगा पाए इसका कितना बड़ा स्पेस है। तो हम लोग तो अपनी बातों में अटक जाते हैं कि हमको जवाब चाहिए, तुरंत जवाब चाहिए। सुनता भी है कि नहीं सुनता है भी कि नहीं, ज्यादातर लोगों को तो यही दिक्कत है भी कि नहीं, बहुत से लोग उसको मानते नहीं है। तो मेरा भी ऐसे था कि मैं अपनी प्रार्थना, अपना सवाल कर देता था, जवाब देना उनकी मर्जी थी कब देंगे, हां देखता रहता था। जो वो कहते थे कि बार बार क्यों देखता रहता है, मैं सदैव साथ हूं। अब जो मुझे तप करने के लिए कहा, जो मेरा अभी कायाकल्प हुआ दूसरी बार, तो रूटीन चेंज हो गया। अब देखिए 11:20 हो गए हैं रात के, मैं ये एपिसोड यहां समाप्त करूंगा और उसके बाद जाते जाते जब तक सोऊंगा तो लगभग मुझे 12 बज जाएंगे और फिर मुझे 3:30 बजे उठना है और सुबंध करना है, और उसमें ऊंघना नहीं है, उसमें नींद नहीं आनी चाहिए, आलस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक शर्त है। तो हम लोग जो भी कहते हैं, मैंने कहा था कि ये सारी घटनाएं, ये सारे वृतांत जो घटे, ये आपको बताने का औचित्य, बताने का मकसद क्या है, कि आपकी भी बात हो सकती है। इसमें मेरा अपना कोई बड़प्पन नहीं है कि मैं अपनी बघारना चाहता हूं कि मैं बहुत बड़ी तोप हूं और मैंने बड़ा तीर मार दिया और मेरे साथ तो सीधे बात होती थी और मुझे तो सीधे उत्तर आते थे। नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, ये तो उसकी नजर पड़ गई उसको दया आ गई, उसकी मेहर हो गई, कीड़े के ऊपर उसकी दया पड़ गई, कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे स्वा, तो दया आ गई उसको, उसके दरबार में चर्चा हुआ और हुक्म हुआ और गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने ये चुनौती स्वीकार की कि मैं अपना 3 दिन का तप दे के इसका मार्गदर्शन करूंगा। मतलब मैं अक्सर ही कहता रहता हूं, अब तो आंसू भी सूख गए
इतना भावुक होता रहा हूं मैं, इतना रोता रहा हूं वैराग्य में कि मेरे जितने भी जन्म हुए, चाहे मैं चक्रवर्ती सम्राट रहा, महाराजा रहा, लेकिन कभी ऐसी कृपा नहीं हुई थी। मैंने पहले भी ये कहा है, ये उद्गार शेयर किया है, अगर ये हो जाती तो शायद मैं आज यहां इस अवस्था में ना होता, मैं उससे नीचे आता ही नहीं। जैसे अब अलर्ट हो गया, मेरा मार्गदर्शन हो गया, और इसीलिए मैं सबसे कहता हूं कि मदिरापान मत करना, दारू मत पीना, मांस मत खाना, व्यभिचार मत करना, दूसरों की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझना, अपनी पत्नी के अलावा हर स्त्री को अपनी बहन बेटी और मां समझना। ये तीन चीजें, देखिए, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना, किसी का हक नहीं मारना, ईश्वर का नाम जपना, सुमरण करना, सेवा करना, पुण्यदान करना, ये तो है। लेकिन ये जो है, मैंने पुण्यदान किया, जब तब भी किया, लेकिन साथ में ये किया था तो बर्बाद होता चला गया, पतन ही होता चला गया। चक्रवर्ती सम्राट से जिसके सामने बहुत बड़े बड़े राजा लोग सर झुका के खड़े होते थे, आज मैं यहां खेतों में बैठा हुआ हूं। 5-7 एकड़ जमीन होगी मेरे पास, वो पिता की, और कुछ नहीं। 1-2 घर होंगे, तो किस लिए? कि वह विचार करता था, पर स्त्री गमन करता था, मदिरापान करता था, हर तरह के नशे करता था, मांस खाता था। तो वो मेरा जो जप तप था या पुण्य था, वो भी एक तरह से निरर्थक हो गया। हां, उसकी वजह से कहीं ये विधि बनी कि कृपा हुई, अपार कृपा हुई, जन्मों जन्मों में ऐसी कृपा नहीं हुई थी। तो इसलिए अपने अनुभव शेयर करके, ये जहां भी पहुंचे, जितने भी लोग इसे देख पाए, देख तो वही पाएंगे जिनके भाग्य में है, इसके इसको देख के इसका अनुसरण वो कर पाएंगे जिनका भाग्य अच्छा है, जिनके कर्म जिसका अंकुरित हुआ होगा, दूसरा नहीं कर पाएगा। कुछ तो पूरा देखेगा भी नहीं, वो तो पहले देखेगा कितनी देर का है, उसको ले अरे 1/2 घंटे का है, छोड़ो 5 मिनट का होता, 3 मिनट का होता तो देख लेते। अब ये सारी बातें मैं 3 मिनट में, 5 मिनट में कैसे करूं, ये आ ही नहीं पाएंगी। तो इसलिए इसको सुन भी वही पाएगा, इसका अनुसरण भी वही कर पाएगा, इससे लाभ भी वही उठा पाएगा जिसके भाग्य में होगा, जिसने कुछ अच्छा बोया होगा, जिसका समय आ गया होगा, जिसका बोया हुआ वो अंकुरित होगा, दूसरा नहीं। कोई 5-10 मिनट देखेगा, कोई 15 मिनट देखेगा, जायका नहीं आएगा उसको, उसको टेस्ट नहीं आएगा ना, बना नहीं, डेवलप नहीं हुआ, भाग्य नहीं है। तो मकसद यही है, मेरी अपनी कोई बड़ाई नहीं है, कुछ नहीं, ये सिर्फ मकसद ये है कि जैसे मेरे जीवन का कायाकल्प हुआ, वैसे दूसरों के जीवन का भी कायाकल्प हो, उनको भी लगे कि वो भी बापू से बात कर सकते हैं अपने, उनके ऊपर भी ऐसी कृपा हो सकती है, वो भी जपें जैसे मुझे आदेश हुए, जप, सुबह उठ के जप, जो चाहता है मिलेगा तो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर का रूप होना चाहता है तो हो जाएगा, सुबह उठ के जपना 4 से 6। अब ये वहां से निर्देश आए हैं, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, जपजी साहब में आया, महापुरुषों ने कहा, अवतारी पुरुषों ने कहा, सब लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग कहां मानते हैं। तो मैं एक साधारण आदमी, आप ही में से एक हूं जो ग्लैमर वर्ल्ड में, फिल्मों में, सीरियल्स में, पैसे कमाने में लगा हुआ था, चकाचौंध में, नाम कमाने में, उसके माध्यम से कहलवा रहे हैं, उसके जीवन का कायाकल्प कर दिया, वो चकाचौंध, वो माया नगरी छुड़वा के उसको यहां लाके बैठा दिया एकांत में, और वो आपसे ये अनुभव शेयर कर रहा है। ये सब विधियां ईश्वर ने बनाई उनके लिए जिनका कायाकल्प होना होगा, जिनको ये बात पकड़ में आएगी, जो इन एपिसोड्स का इंतजार करते हैं, जो लगे हुए हैं, जिन्होंने सुमरण शुरू कर दिया, पाठ जाप शुरू कर दिया, जिनके जीवन में आनंद बनना शुरू हो गया, जिनका ढर्रा रास्ता चेंज हो गया, जिनका नजरिया बदल गया, ये उनके लिए है। तो इसमें कुछ भी कल्पित नहीं है। जैसे मैंने एक बार कहा था, मैं कोई बाबा नहीं हूं, मुझे चेले नहीं बनवाने हैं,
मेरे पास लोग आते हैं तो मैं डरता हूं कि मेरे पांव ना हाथ लगा दे क्योंकि मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता हूं। मेरे नाम के साथ कई लोग ऐसे ही बाबा जी कहने लगते हैं मुझे। नहीं, बाबा बहुत ऊंचा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है, हमारी कोई औकात बिसात नहीं है, इन शब्दों के लायक नहीं हूं। बस इतना ही काफी है कि जो ईश्वर ने दया की, कृपा की, मेहर की और मुझे आज्ञा दी कि ये अनुभव शेयर करके दूसरों के साथ में ये ज्ञान बांट के अगर तू उनका मार्गदर्शन करना चाहे तो कर सकता है। बस वही कर रहा हूं कि अगर आपका जीवन बदलता है, आपके जीवन में आनंद आता, आपका उद्धार होता है तो मेरा भला हो जाएगा। बस यही मकसद है और कोई मकसद नहीं है। मैं अपना भला चाहता हूं और ये मैं बहुत बार कह चुका हूं कि ये कुदरत का नियम है, ये इटर्नल नियम है, इटर्नल लॉ है उस मालिक का, उस कुदरत का, कि आप अगर अपना भला चाहते हैं तो आपको किसी और का भला करना होगा। आप किसी और का बुरा करके अपना भला कर ही नहीं सकते तो फिर क्यों किसी का बुरा करना है। बस इसी में मैं लगा रहता हूं दिन रात कि लोगों का भला हो जाए तो मेरा भला हो जाएगा लोगों का भला हो जाए। और उस भले में सबसे बड़ा भला कि किसी भी तरह से कोई प्रमाण देके, कोई उदाहरण देके, कोई मिसाल देके, कोई दलील देके उनको ईश्वर के नाम से, अल्लाह वाहेगुरु गॉड के नाम से जोड़ो। बस इससे बड़ा भला नहीं है संसार में कोई, और इससे बड़ा महापुण्य नहीं है कोई। महापुण्य करोगे तो महापुण्य मिलेगा, इसलिए मैं लगा रहता हूं बड़े तरीकों से। कई बार मैं रेपिटेटिव भी साउंड करता हूं लेकिन मैं क्या करूं, मुझे लगता है कि बात पकड़ में आनी चाहिए, लोग अन्यथा ना लें, उसको हल्के में ना लें कि भाई ये समय व्यर्थ मत गवा देना। ये तमाम वृतांत ये मेरे साथ घटे, मैं कैसे सीना चीर के दिखाऊं हनुमान जी की तरह, तो खून ही दिखेगा, सत्य तो नहीं दिखाई देगा। मैं कभी आपसे मिलूं या ना मिलूं, मैं आपको जानता नहीं हूं, मैंने पहले भी ये कहा है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम कभी मिलें, आप मुझे जाने या मैं आपको जानूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि आप ये जो मैं कह रहा हूं इसको जाने, इसका अनुसरण करें, इससे लाभ उठाएं। ईश्वर है, उसका निजाम है, उसका सिस्टम है, उसकी शक्तियां हैं, पाप पुण्य है, हिसाब किताब है, स्वर्ग नरक है, सब कुछ है। इसलिए किसी धोखे में मत रहना, किसी दुविधा में मत रहना, किसी द्वंद्व में मत रहना। अगर कोई आपको बरगलाए तो उसके चक्कर में मत पड़ना, ये सब कुछ है। आने वाले वक्त में उसके भी प्रमाण आप लोगों से शेयर करने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप वक्त जाया मत करें, आपकी भी बात हो सकती है। मुझे कितना समय लग गया तब जाके कृपा हुई, लेकिन वो टारगेट नहीं था। तो जब टारगेट आप रख लोगे तो आपका ध्यान वहां रहेगा टारगेट पे, नहीं बस जपना है, सुनना है, अपनी आवाज को सुनना है। वाहिगुरु वाहिगुरु कहो, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु कहो, मूल मंत्र कहो, या नितनेम करो, या कुछ और पाठ करो, गायत्री मंत्र करो, हरिओम तत्सत कहो, अल्लाह अकबर कहो, या अपने अपने मजहब धर्म के मुताबिक आप जो भी जपते हो, आंखें बंद करके अपनी आवाज को सुनना। सुबह 4 से 6 का टाइम बहुत बढ़िया, 3 से 6 कर लेना, लेकिन 4 से 6 2 घंटे नहीं कर पाओगे। अगर आदत नहीं है, आधा घंटा कर लेना, धीरे धीरे बढ़ाना, 15 मिनट कर लेना, धीरे धीरे बढ़ाना। शाम को 6 से 8 के बीच में बैठ जाना। हम लोग 6 से 6:15 सुमरण करते हैं। टेलीग्राम पे हमने ग्रुप बनाया हुआ है धन गुरु नानक, इसकी शुरुआत में वो नंबर आता है टेलीग्राम का, आप उसके जरिए हमसे जुड़ सकते हैं, उसको सेव कर लें, हमें मैसेज करें और हम आपको लिंक भेज देंगे। तो उस ग्रुप में 1100 से ऊपर लोग आ गए हैं, अभ्यास करते हैं, आगे और अभ्यास करेंगे, पावर डोज देंगे, टेक्निक गुरु नानक देव जी महाराज की, रात को रिपीट पे लगा के हमारे शब्द हैं, उनके लिंक्स हैं इस हमारे चैनल पे भी हैं, उस ग्रुप में भी शेयर करते हैं। sickfilm.com पे चले जाएं, सर्व रोग का औखद नाम शब्दों का उसका फोल्डर का नाम है, भावार्थ हिंदी में, भावार्थ पंजाबी में, बिना भावार्थों के भी है, वहां से डाउनलोड कर लें, उनको अपने म्यूजिक प्लेयर में डाल लें, आपके फोन में ही है, रिपीट पे लगा के सो जाएं, स्पीक फोन पे हल्के वॉल्यूम पे, जो आपकी नींद डिस्टर्ब ना करे, आपके अचेतन को सुनने दें जो रात को सपने दिखाता, हड्डी मांस मज्जा खून बनाता है, सांसें चलाता, वही अचेतन, उसको सुनाना है। देखिए क्या जलवा होता है 3 महीने में, अचेतन को ही सुनाना है।
जिनके कान में लगा के सुनिए, गुरुद्वारे में जाएं, मंदिर मस्जिद जाएं, नाक रोड़ के माफी मांगें, सेवा करें, धन्यवाद करें, दया करें, पुण्यदान करें, हर वक्त उसका नाम अपने मन में दोहराते रहें, काम हाथ से करते हैं, दुकान में बैठे हुए हैं मन में उसका नाम लेते रहें, वाहेगुरु वाहेगुरु हरि ओम तत्सत अल्लाह अकबर गॉड इज ग्रेट करते रहें, तो दूसरी कमाई तो होगी दुनियावी लेकिन असली कमाई भी कर ली साथ में। सैर करने जाएं हर कदम के साथ वाहेगुरु वाहेगुरु हरि ओम तत्सत अल्लाह अकबर गॉड इज ग्रेट कहते रहें तो आत्मा को भी खुराक मिले। तो ये मैं कभी दोहरा देता हूं कि जो नए लोग आए हैं उनको भी बात पकड़ में आए और आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। ये मैं लिखित रूप में दे सकता हूं, आप आस्था से, समर्पण से, एकाग्रता से, श्रद्धा से, डिवोशन के साथ में ये कर लें, सुन लें, जप लें, रात को लगा के सो जाएं, सेवा करें, माफी मांगें, मन में याद करें और पुण्यदान करें, दया करें। मैं आपको स्टैंप पेपर पर लिख के दे सकता हूं, उस मालिक को साक्षी जान के कह रहा हूं, आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। आप दंग रह जाएंगे, आपको लगेगा अब तक तो हमने जीवन व्यर्थ ही गवा दिया, और अगर ऐसा ना हो तो आप मुझे कहीं भी नीची जगह बैठा लीजिएगा, मैं आपका गुनाहगार होऊंगा, लेकिन करना होगा ये मेहनत आपको करनी होगी। हम तो तरीका बता सकते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज की टेक्निक है। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ मित्रों की बात ये पकड़ में आई होगी और वो सिर्फ बातों में ये वीडियो देख लिया, वो वीडियो देख लिया, इस बाबा को सुन लिया, उस बाबा को सुन लिया, ये टेक्निक कौन सी है, वो टेक्निक कौन सी है, और बहस करने लग गए, डिस्कशन करने लग गए, चैट करने लग गए। इसमें टाइम मत खराब करो। गुरु नानक देव जी महाराज का गाड़ी रहा है, जपना है और सुनना है आंखें बंद करके। आंखें डाइवर्ट करती हैं ध्यान को, और कोई साउंड नहीं आनी चाहिए, और रात को रिपीट पे लगा के सोना है, सेवा करनी है, और फिर धीरे धीरे जो सुनना है यही मजाई करेगा। मैं बार बार कहता हूं, पुराने लोगों को मालूम है, वो लगे हुए हैं, उनके जीवन में आनंद आ रहा है, ये जो सुनना है, क्योंकि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में एक ही डिटर्जेंट है जो पाप की मैल को धो सकता है, जो हमने जन्मों जन्मों से इकट्ठी की, जिसकी वजह से हम परेशान हैं, दुखी हैं, रोगी हैं, विचलित हैं, व्याकुल हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, कोई मदद करने वाला नहीं दिखता है, ये पाप कर्म की वजह से है। पाप कहां है? आत्मा की मटकी में। धुलेगा कैसे? हरिनाम से। वो एक ही डिटर्जेंट है जो पाप की मैल को धोता है, हरिनाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम। इस्तेमाल कैसे करना है? कान के जरिए जपना है और सुनना है। अंदर जाएगा, ध्यान अपनी आवाज पे रखना है, साफ करना शुरू करेगा, साफ करेगा पाप की मैल को, जो जड़ है हमारी समस्याओं की, तो समस्याएं अपनी आप धराशायी होने लग जाएंगी, कोलैप्स होने लग जाएंगी, करने लग जाएंगी, खत्म होने लग जाएंगी। तब आपको विश्वास आना शुरू होगा, क्योंकि आपको राहत मिलेगी, राहत मिलेगी तो विश्वास आएगा, विश्वास आएगा तो आप खुद ही नहीं छोड़ेंगे, आप खुद ही टाइम बढ़ाएंगे कि नहीं भाई आधे घंटे में नहीं, हमने तो 4 घंटे लगाने, सारा दिन लगाना है। फिर कायाकल्प हो जाएगा, नजरिया बदल जाएगा, नजरिया बदलेगा तो नजारा बदल जाएगा। अब गिलास आधा खाली दिखाई दे रहा है, रो रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, फिर वही गिलास आधा भरा दिखाई देने लग जाएगा, मुस्कुराने लग जाओगे, आनंद ही आनंद होगा जीवन में। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, और अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं उनका आभारी रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल।